श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। कड़ाण कम्माण न मुख अट्ठी, कर्मवाद का एक सिद्धांत है और उसका एक सूक्त में प्रतिपादन किया गया है कि कृत कर्म का छुटकारा नहीं, जो कर्म तुमने किया है उसका फल भुगतना पड़ेगा, भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। कड़ाण कम्माण न मुख अट्ठी, इसलिए तुम कर्म के प्रति जागरूक रहो और तुम्हारी कर्म फल की चेतना भी जागृत रहे। बंद के समय काम करते समय सोचो कि मैं ऐसा काम न करूं जिससे गॉड कर्म का बंद हो, ऐसा कर्म न करूं जिससे मुझे गाढ़ फल भुगतना पड़े, तीव्र फल भुगतना पड़े। एक छोटा सा सूत्र है पर आदमी के आचरण पर अंकुश लगाता है। हाथी बहुत बड़ा है, एक अंकुश छोटा सा होता है, पर जब हाथी मदोन्मत्त होता है अंकुश लगाया शांत हो जाता। आदमी का कार्य भी बहुत बड़ा है और सोचता भी नहीं है, किंतु एक ये सूत्र ऐसा अंकुश है कि ध्यान दो कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अगर गाढ़ कर्म करोगे तो बड़ा भयंकर फल उसका होगा, इसलिए तुम्हें गाढ़ कर्म का बंद नहीं करना चाहिए। कर्म का बंद दो प्रकार का होता है, गाढ़ और शिथिल। परिणाम भी फल भी दो प्रकार का होता है, जो गाढ़ कर्म है उसका फल बड़ा तीव्र होता है और जो शिथिल कर्म है उसका फल साधारण होता है। अब हम इस विषय की मीमांसा करें। आदमी जब से उठता है और जब सोता है, जागरण और नींद के बीच का समय काम का समय होता है और नींद में भी काम चलता है। कर्म का बंद तो नींद में भी कर लेता है, पर यह खास समय होता है जागरण का समय, दोनों के बीच में नींद और जागृति उठना, चाहे 16 घंटा हो, 18 घंटा हो, 12 घंटा कितना ही हो, यह बीच का जो समय है उस समय आदमी काम करता है, क्योंकि कोई व्यक्ति काम के बिना तो रह नहीं सकता, कोई आदमी काम को तो छोड़ नहीं सकता। उठते ही शरीर की चर्या शुरू हो जाती है, शौच, शरीर शुद्धि, दतौन आदि आदि शरीर की चर्या शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद आहार की तैयारी हो जाती है। और आहार की भी अनेक बार तैयारी हो जाती है, एक भाई ने बताया कि मैं बस कुल्ला कर और फिर अमुक चीज़ खाता हूँ,
नाश्ता के नाश्ता फिर आधा घंटा की बात करता हूँ, और फिर भोजन होता ही है, दिन में दो चार बार चाय भी हो जाती है, कुछ लोग तो शायद ज़्यादा पीते हैं, ऐसे लोग भी हैं पाँच दस बार पीने वाले भी हैं, तो दिन भर चलता रहता है। तो एक तो आहार कार्य चलता है, दूसरा स्नान वस्त्र पहनना आदि आदि का काम भी चलता है, और तीसरा जो व्यापारी है तो दुकान का काम है, कर्मचारी है तो ऑफिस का काम है, और महिला है तो रसोई का काम है, आदि आदि सारे काम चलते हैं। कोई आदमी निकम्मा तो रहता ही नहीं है, निकम्मा बिल्कुल नहीं रहता, आलसी भी निकम्मा नहीं रहता। ये तो कैसे हो सकता है कि आलसी कोई काम करता नहीं, बस आराम करना ही जानता है, पड़ा रहता है। किसी ने इंटरव्यू लिया और नौकर आए अनेक, एक को चुना और उसने कहा था मैं कभी थकता ही नहीं, तो उसको रख लिया। अब पहले ही दिन देखा कि वह तो काम नहीं करता है, पड़ा है। एक दिन देख लिया कोई बात नहीं, दूसरे दिन भी काम नहीं किया, तो मालिक ने कहा तुमने इंटरव्यू में तो कहा था मैं कभी थकता नहीं हूँ, तुम तो कोरे पड़े हो, काम नहीं कर रहे हो। बोले मालिक इसीलिए नहीं थकता हूँ कि मैं पड़ा रहता हूँ खाट, इसीलिए तो नहीं थकता हूँ। काम नहीं करते हैं फिर भी कोई आदमी बिना काम नहीं रहता। एक है शरीर का काम, वह कभी न भी हो, ज़्यादा न कर सके विश्राम करे, तो यह मन का काम तो कभी रुकता नहीं है, यह मन का चक्का निरंतर चलता है, सोते सोते भी पता नहीं क्या कर लेता है, सोया पड़ा है तो भी मन घूम रहा है, और कितने नकारात्मक विचार भाव आते हैं, सोचता रहता है कि यह करूं वह करूं, इसका यह करूं, किसी का प्रिय किसी का अप्रिय चिंतन करता रहता है। शरीर का काम तो कभी कभी बीच में विश्राम में स्थगित होता है, किंतु यह मन का काम तो है कि रुकता नहीं है, सोया हुआ है तो भी बहुत सोच रहा है, खड़ा है तो भी सोचता है, चलता है तो भी सोचता है। सबसे बड़ा काम तो मन का है। आदमी शरीर से जितना काम करता है उससे ज़्यादा वाणी से काम करता है, बोलता ज़्यादा है, और जितना वाणी से करता है उससे हजार सौ गुणा काम मन से करता है। ये हमारे तीन क्रिया तंत्र हैं, शरीर की प्रवृत्ति, वाणी की प्रवृत्ति और मन की प्रवृत्ति। तो शरीर से काम एक सीमा होती है, वाणी की भी सीमा है, पर मन की सीमा तो बड़ी कठिन है। अगर मन का काम बंद हो जाए तो आदमी आगे बढ़ जाए, मन से कुछ करता रहता है, और जो मन से करता करता सोता है तो सपने में भी वह करने लग जाता है, नींद में भी करने लग जाता है। बहुत लोग गहरी नींद नहीं ले पाते, सपने बहुत आते, क्योंकि जो चंचलता में रहेगा उसकी नींद भी गहरी नहीं हो सकती। जिसमें चंचलता नहीं है वह गहरी नींद में सोता है, सपने भी कम आते हैं। जिसका मन ज़्यादा चंचल है, सपनों की नींद, बहुत लोग कहते हैं कि नींद क्या आई, सारी सपनों की नींद थी, बस सपनों की रात बीती है, और सपनों में भी कर लेता है, काम भी कर लेता है, सपनों में भी काम चलता है। सपना ले रहा था और सपना आया कि परी मुझे उड़ा कर ले जा रही, तो परी से पूछा कि मुझे कहाँ ले जाओगी, बोला सपना तू ले रहा है कि मैं ले रही हूँ, सपना तो तू ले रहा है, मुझे क्या पता।
सपने में भी करता है, और सपने में भी और नींद में भी अगर मूर्छा गहरी होती है, गहन मूर्छा, तो नींद में भी बड़े बड़े दुष्काम कर लेता है। कर्मवाद में एक नींद का नाम है स्त्यानर्धि नींद। स्त्यानर्धि वह नींद भयंकर नींद होती है, और भयंकर कर्म बंद करने वाली नींद होती है। जो व्यक्ति स्त्यानर्धि नींद लेता है, वह नींद में उठकर चोरी कर लेता है, किसी की हत्या कर देता है, और इतना बल आता है कि हाथी को भी मार डालता है, शेर को भी मार डालता है, सब करके आए और आकर सो जाता है। सुबह कोई कहे कि तुमने कुछ ये काम किया, कि मुझे पता ही नहीं, मैं किया नहीं, पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा नींद में हो जाता है। तो सबसे बड़ा कठिन काम है मन की क्रिया को बंद करना, मन के काम को बंद करना। शरीर का काम चलता है, वाणी का चलता है, मन का चलता है। तात्पर्य की भाषा में काम कभी बंद नहीं होता, आदमी 24 घंटा ही काम करता है। अब हमें विचार करना है कार्य और कर्म बंद, इन दो पर विचार करें। कार्य कर रहा है और कर्म बंद हो रहा है। कर्म बंद दो प्रकार का होता है, गाढ़ बंधन बद्ध और शिथिल बंधन बद्ध। एक तो गाढ़ बंधन से बनता है और एक शिथिल बंधन से बनता है। अब जो सामान्य चर्या है जीवन की, रसोई पका रहा है, खा रहा है, आदि आदि है, यह शिथिल बंधन है, आवश्यक क्रिया है जीवन की, तो इसमें कोई गहरा कर्म बंध नहीं होता, पर इसमें भी गाढ़ हो सकता है। एक उदाहरण ले, एक आदमी भोजन कर रहा है। अब भोजन करना स्वाभाविक है, खाए बिना जीवन चलता नहीं, शरीर नहीं चलता, तो वह भोजन करेगा, कर्म बंद तो होगा, किंतु वह कर्म बंद गाढ़ नहीं होगा, क्योंकि वह एक आवश्यकता की पूर्ति मात्र कर रहा है, गाढ़ बंधन नहीं है। किंतु भोजन करते ही आहा कितना बढ़िया आया भोजन, बस बदल गया सर, अब वह भोजन तो गौण हो गया और स्वाद प्रधान हो गया। जहाँ स्वाद इतना ज्यादा अनुभव करने लगा तो कर्म बंध भी प्रबल हो जाएगा। जो कर्म बंध शिथिल हो रहा था, शिथिल कर्म बंध तो बनता है, टूटता रहता है, ये लोग बेया बढ़ियम कुछ का कर्म है बनते हैं, बस भोग लिया जाता है, कोई खास उसका परिणाम भयंकर नहीं होता और पता भी नहीं चलता, आते रहते हैं परिणाम। अब हर क्रिया के साथ आसक्ति जुड़ जा, मूर्छा जुड़ती है। अगर अच्छा भोजन आया तो प्रशंसा करने लगेगा, बखान करने लगेगा, और बीच में कहेगा हाँ ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो मैंने कभी किया नहीं, क्या बात है, आदि आदि बहुत सारी बातें बोलने लग जाते हैं। और जो खराब आ गया तो नाक मुंह सिकोड़ने लग जाता है कि कौन बेवकूफ है बनाने वाला, ऐसा भोजन बनाया है, कभी कभी थाली के ठोकर भी मार देता है। ये जो दोनों दशाएं बनती है, क्रिया के साथ, हर काम के साथ राग की तीव्रता होती है और द्वेष की तीव्रता होती है। प्रियता का भाव ज़्यादा होता है, द्वेष का भाव ज़्यादा होता है, तो वहाँ फिर गाढ़ कर्म का बंधन होने लग जाता है, और वह कर्म इतना गाढ़ होता है कि उसका फल भी बड़ा तीव्र होता है, कटु फल होता है, फल साधारण नहीं होता, असाधारण फल होता है। हम इस बात का विवेक करें
कभी काम तो हम छोड़ नहीं सकते, कोई आदमी निकम्मा रह नहीं सकता, चाहे शरीर से काम करेगा, चाहे वाणी से काम करेगा और चाहे मन से करेगा। इसी सच्चाई को गीता में बहुत सुंदर प्रकट किया गया कि नहीं देह वृता सक्यम त्यक्तुम कर्मान्यशेषतः, कोई भी देहधारी शरीरधारी समग्रतया कर्म को नहीं छोड़ सकता, सापेक्ष तो छोड़ सकता भी एक काम किया रहा बंद कर दिया, किंतु कोई भी समग्रता अशेषतः कर्माणि त्यक्तुम कोई समर्थ नहीं है, कर्म छूटता ही नहीं है, कर्म करता ही रहता है। जिसको हम कहते हैं निकम्मा आदमी है, वह भी कर्म करता है, करता रहता है, छोड़ नहीं सकता, किंतु अंतर इतना है। और यह बहुत अच्छा विवेक होना चाहिए कि एक कर्म करेगा गाढ़ परिणाम के साथ, वो एक करेगा रूखे परिणाम के साथ। दो शब्द प्रचलित है कर्मवाद के क्षेत्र में, चिकना कर्म बंद और रूखा कर्म बंद। अगर परिणाम चिकना है, बहुत स्निग्ध है, उसमें डूब गया है, राग की तीव्रता आ गई है, तो गाढ़ कर्म का बंद होगा और उसका फल भी बड़ा तीव्र होगा, कटु फल होगा। और एक रूखा परिणाम है, बस खाना जरूरी है, खा रहा हूँ, अच्छा आया तो भी खा लेता है और अच्छा नहीं आया तो भी खा लेता है, शरीर को भाड़ा देना है, शरीर को चलाना है, कर्म बंद तो होगा पर वह तीव्र नहीं होगा, वह ऐसा होगा कि जैसे धूल लगी धूल चली गई। और एक ऐसा होता है कि मिट्टी लगी और इतना चिकना कीचड़ लगा कि कपड़ा भी साफ होना मुश्किल हो जाता है। दोनों अवस्थाएं होती है। एक इतना सुंदर विवेक दिया गया है कि तुम कर्म के बिना रह नहीं सकते, किंतु इसका विवेक करो कि गाढ़ कर्म का बंद हो, ऐसा काम तुम मत करो। बहुत सुंदर विवेक है कि गाढ़ कर्म का बंद न हो। एक आदमी कोई काम करता है, व्यवहार करता है और उसके पीछे परिणाम धारा, चिंतन विचार या आंतरिक परिणमन वह तीव्रता का होता है, क्रूरता का है, तो गाढ़ कर्म का बंधन होगा। और एक करुणा के साथ काम करता है, करुणा है कि मेरे द्वारा किसी जीव को कष्ट न पहुँचे, और उस भावना के साथ काम करता है, यानी मूर्छा कम आसक्ति कम काम करता है, एक आसक्ति के साथ काम करता है, एक वैराग्य भावना के साथ काम करता है और एक मोह के साथ काम करता है, दोनों में अंतर आ जाएगा। हम विवेक करें, हर धार्मिक के लिए जरूरी है और श्रावक के लिए बहुत जरूरी है और एक जैन श्रावक के लिए इसलिए जरूरी है कि कर्मवाद का जितना सूक्ष्म विवेचन जैन आचार्यों ने किया है बहुत दुर्लभ है अन्यत्र। हम हर काम के साथ सोचें, आँख मूंद कर न चलें, चिंतन करें, आँख मूंद कर पता कैसे चलेगा। एक लड़का दर्पण के सामने जाकर खड़ा हो गया, खड़ा है, आंखें बंद है, कोई भी दर्पण के सामने जाएगा तो आंख खोलकर देखेगा, अपना प्रतिबिंब देखेगा, पर उसकी तो आंख बंद है। काफी देर खड़ा रहा, माँ आई, माँ ने देखा बहुत देर से खड़ा, क्या बात है, जाकर देखा तो खड़ा है, आंख बंद है। तो माँ ने पूछा, बेटा क्या कर रहा है? कोई भी आता है तो दर्पण के सामने तो आंख खोल कर देखता है, तेरी आंखें तो बंद है। बोली, माँ तू मेरी बात समझी नहीं, मैं देख रहा हूँ आंख बंद करके कि मैं सोते समय कैसा लगता हूँ। अब आंख बंद है, सोते समय आंख बंद होती है, अब दर्पण में देख रहा है कि मैं सोते समय कैसा लगता हूँ।
एक मूर्छा भ्रांति पैदा हो गई। मुझे लगता है कि आज भी एक भ्रांति पैदा हो रही है। आप भी सोचें कभी अमुक आदमी इतना बड़ा आदमी है और वह गलत काम क्यों कर रहा है, भ्रष्टाचार क्यों कर रहा है, इतना गंदा काम क्यों कर रहा है, इतना अश्लील व्यवहार क्यों कर रहा है, इतना बड़ा आदमी क्यों कर रहा है। तो ठीक समझ लो कि वह बच्चा है, आंख बंद कर और दर्पण के सामने खड़ा है और देख रहा है कि मैं सोते समय कैसा लगूंगा, या ये सोचते होंगे कि मैं बुढ़ापे में या अगले जन्म में कैसा लगूंगा, आंख बंद कर देख रहा है। एक भ्रांति पैदा हो गई है और इसका कारण है कि आदमी को शुद्ध रखने के लिए, उसके चरित्र को पवित्र रखने के लिए कर्म बंध और कर्म फल, कर्म कैसे बंधता है और कर्म का फल कैसे भुगता जाता है, भोगना पड़ता है, इन दोनों का ज्ञान यदि कराया जाए तो शायद आचार व्यवहार काफ़ी बदल सकता है। किंतु नहीं तो यह पता भी कर्म का बंध होता है और नहीं यह पता भी कर्म का फल भुगतना पड़ता है। एक ऐसी गहरी मूर्छा है कि बस जीवन में सार है काम और अर्थ, काम कामनाएं, सेक्स आकांक्षाएं बस, और दूसरा अर्थ साधन धन उसकी पूर्ति के लिए, काम और काम की पूर्ति के लिए अर्थ, ये दो ही सार है बस, इसके अतिरिक्त कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं है। आज जो ये व्यापक धारणा हो गई है, व्यापक धारणा एक बड़ा भयंकर हो रहा है। आज जितना जो आचार का अतिक्रमण हो रहा है, सदाचार कम हो रहा है, कदाचार बढ़ रहा है, नैतिकता कम हो रही है, अनैतिकता बढ़ रही है, कारण क्या है? हम कारण पर विचार करें कि मनुष्य के मन में कोई संकोच नहीं है, मनुष्य के दिमाग में कोई नियामक तत्व नहीं, अंकुश नहीं है, उसकी इच्छा पर कोई अंकुश नहीं है। कर्मवाद अंकुश लगाने वाला है, एक अंकुश है, कोई भी काम करते समय वह सोचेगा कि मैं इतना क्रूर काम कर रहा हूँ, मुझे बड़ा भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा, हाथ रुक जाते हैं, पैर रुक जाते हैं, आदमी नहीं करता। किंतु जब कोई अंकुश नहीं है, कोई चिंता ही नहीं कि मुझे कुछ भोगना पड़ेगा या कर्म का बंध होता है या कर्म का फल भोगना पड़ेगा, कोई जानता ही नहीं है, तो फिर रोकने वाला कौन है? और उस व्यक्ति को तो कौन रख सकता है जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में अधिकार है, जो कर सकता है, उसे तो फिर कौन रोक सकता है? मैंने एक बात पढ़ी, कहानी नहीं घटना, वो पढ़ते पढ़ते मन थोड़ा एकदम पीड़ा से भर गया, बड़ा अटपटा लगा कि राजा जा रहा था और हाथी साथ में थे। एक हाथी संयोग बस नीचे खाई में गिर गया और चिंघाड़ने लगा, हाथी की चिंघाड़ भी बड़ी तेज होती है, अब पीड़ा से कराहने लगा, खाई में गिरा, बहुत पीड़ा हुई, चिंघाड़ने लगा और राजा ने वह आवाज़ सुनी। राजा ने अपने अधिकारियों को बुलाया, कही हाथी की चिंघाड़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, रोज एक हाथी खाई में गिरा। अब देखिए क्रूरता किसका, आदमी अपनी प्रियता के लिए कितना अनर्थ कर सकता है। उस राजा ने अपनी चिंघाड़ को सुनने के लिए 100 हाथियों को मारा, इस प्रकार कल्पना करें, 100 हाथी एक दिन एक, एक दिन एक करके 100 हाथी थे, 100 हाथियों को खाई में डालता गया, उनकी चिंघाड़ सुनता गया। एक केवल शब्द की प्रियता, कानों को शब्द अच्छा लग रहा है, कितना भारी अनर्थ कर दिया, पर उसे पता नहीं था कि इसका परिणाम तुझे क्या भुगतना पड़ेगा।
ऐसा भी हो रहा है कि कुछ प्रांतों में, राज्यों में या राष्ट्रों में यह चलता है कि बच्चे को ऊंट पर बांध देते हैं और फिर ऊंट को दौड़ाते हैं। अब बच्चा अकेला, बच्चा छोटा, अब वह रोता है, वह रोना बड़ा अच्छा लगता है, इसकी भी दौड़ होती है। आदमी अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, और जब कर्म का बंध होता है पता नहीं क्या होता है। ये कौन करता है, हम विचार करें, ऐसे सारे काम जो बहुत क्रूरतापूर्ण काम हुए हैं, नरसंहार हुए हैं, कत्ले आम हुए हैं, कौन करता है? जिस व्यक्ति को न तो यह पता है कि कर्म का बंध होता है और न यह पता है कि कर्म का फल भुगतना पड़ता है, ये पता नहीं है, तब सारे होते। अगर यह गहराई से संस्कार बन जाए कि मैं जो भी काम करूँगा और तीव्रता मूर्छा के साथ करूँगा, बड़ी आसक्ति के साथ करूँगा, उसका गहरा बंद होगा और मुझे उसका भयंकर परिणाम इस जन्म में अथवा अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, इतनी चेतना साफ हो जाए तो फिर बुराई करने से हाथ रुकेगा। इसलिए कर्म बात को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी धार्मिक है और कर्म बात को नहीं जानता तो मुझे तो उसे धार्मिक कहने में भी संकोच होता है। वह कैसा धार्मिक जो कर्म बात को नहीं जानता, उसे धार्मिक कैसे कहा जाए? कोई कहे बड़ा आध्यात्मिक आदमी है, कसौटी कर लो कर्म बात को जानता है या नहीं जानता। अगर कर्म बात को नहीं जानता तो वह आध्यात्मिक हो नहीं सकता। वही व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक हो सकता है जो कर्म बात को जानता है, कर्म को जानता है, कर्म के बंध को जानता है, कर्म के गाढ़ और शिथिल बंध को जानता है और उसके गाढ़ और शिथिल परिणाम को जानता है, और कर्म बंध की या निर्जरा की प्रक्रिया को जानता है, शोधन करना भी जानता है, तो मानना चाहिए कि वह धर्म का आचरण करेगा। अन्यथा एक धार्मिक तो है पर कर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साधुओं के पास भी आता है, मंदिर आदि में भी जाता है, धर्मस्थानों में जाता है, उपासना भी करता है, सब कुछ करता है, पर जब दुकान पर बैठता है, ऑफिस में बैठता है और कोई काम बैठता है, उस समय उसके सामने न धर्म है, कुछ भी नहीं है। इसका कारण कि वह कर्म को नहीं जानता है, कर्म फल को नहीं जानता है, इसलिए वह सब कुछ कर लेता है, उसे कोई संकोच नहीं होता। प्रसंग आया, आचार्य तुलसी ने एक व्यापारी से पूछा, बहुत पुरानी बात है, कि तुम क्या धंधा करते हो? बोला, आचार्य जी मैं अनाज का धंधा करता हूँ। जैन था, श्रावक था, और जिसके घर पर हम लोग ठहरे हुए थे और कोई एक सैनिक आया शराब पीने वाला, उसने बड़ा विरोध सा किया कि ये शराबी आपके पास क्यों आए, एकांत में किया पर किया। जब आचार्यवर ने पूछा कि तुम अनाज का धंधा करते हो तो इसमें अनैतिकता तो नहीं करते? तब बोले आचार्य जी, इसके बिना तो काम ही कैसे चलता, गृहस्थ तो मैं साधु थोड़ा ही बनाऊं, बस बात समाप्त हो गई। यह उत्तर क्यों है कि धर्म को उसने यह समझा है कि धर्मस्थान में जाना चाहिए, साधुओं की उपासना, साधु संन्यासियों की उपासना करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और आशीर्वाद मांग लेना चाहिए, आशीर्वाद कि बस मुझे यह धन दौलत मिलती रहे, आराम से जीऊं और धर्म की कहानी समाप्त। जबकि धर्म का तो मतलब यह है, धर्मस्थान में जाने का, साधु संतों की सन्यासियों की संगत में जाने का लाभ तो यह है कि वह यह सोचे कि महाराज मैं जो काम करता हूँ अगले जन्म में क्या होगा, उसका मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे बुराइयों से बच सकता हूँ
और कैसे मेरा अगला जन्म भी अच्छा हो। स्थानांक सूत्र में बतलाया है कि व्यक्ति को तीन जन्म की बात सोचनी चाहिए कि मेरा वर्तमान का जीवन कैसे अच्छा हो, मेरा अगला जन्म कैसे अच्छा हो, और फिर आयाति उससे अगला जन्म फिर कैसा हो। तीन जन्म की बात सोचनी चाहिए। आज तो अगले जन्म की बात भी नहीं सोचते, वर्तमान की भी नहीं सोचते। वर्तमान में भी इतने खोटे धंधे करते हैं कि बड़े बड़े लोगों को कभी कारावास में, कभी फांसी में लटकना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। कारण कि उन्हें कर्म के बारे में जानकारी नहीं है। जब जब समाचार पत्र में पढ़ता हूँ कि अमुक बड़े आदमी ने ये इतना किया, इतना घोटाला, इतना ये किया, इतना अन्याय किया, इतना अनर्थ किया, तो मन में यही आता है कि बेचारे का दोष क्या है, उसे कर्मवाद को जानने का मौका नहीं मिला। सामान्यतः जैसे कहा जाता है कि अच्छा गुरु नहीं मिला, मैं मानता हूँ कर्मवाद से बढ़कर कोई अच्छा गुरु नहीं है। जिस व्यक्ति ने कर्मवाद को समझा है वह सबसे बड़ा उसके लिए गुरु बन जाएगा, बुराई से रोकेगा। जिसने कर्मवाद को नहीं समझा, कोरा गुरु के पास भी जा रहा है तो गुरु भी क्या करेगा, गुरु बेचारा क्या करे, चेला में ही चूक। गुरु करेगा क्या, कुछ कर नहीं सकेगा। और अगर साधु समुदाय, सन्यासी वर्ग कोई भी है, वे अपने भक्तों को, उपासकों को, श्रावकों को यह जानकारी नहीं देते हैं कि देखो तुम यह आचरण करे उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, तो मैं मानता हूँ कि शायद वे भिक्षु स्वामी वाली बात हो जाती है कि बस कोरा लाभ लिया, श्रावकों ने साधु को कुछ लाभ कर दिया, साधुओं ने श्रावक को कर दिया, तो फिर होता वह है। बड़े कटु शब्दों में, कटु नहीं, कटु सत्य और यथार्थ के शब्दों में आचार्य भिक्षु ने लिखा कि साधा ने डबोया श्रावका और श्रावका ने डबोया साध, दोनों बूढ़ा बापड़ा सीजिन वचन विराट। वही बात होती है, इसलिए हमें इस विषय में काफ़ी गहरा चिंतन करना चाहिए। एक धार्मिक व्यक्ति को, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं जो काम करूं उस बारे में जान लूं कि इससे कर्मबंध कितना होगा, क्या होगा और इसका फल क्या होगा, इसका विवेक उसको करना चाहिए, तो धर्म की चेतना जागृत होगी। अन्यथा धर्म भी कर रहा हूं, धर्म बस एक प्रकार से ये हो गया कि धर्म कर रहा हूं बस तर जाऊंगा। आजकल धर्म को भी एक प्रमाण पत्र मान लिया गया, सर्टिफिकेट ऐसा चलता है। मैं इस चर्चा को संपन्न करूं एक छोटी सी कहानी, घटना या रूपक के साथ, कि एक युवक आया, बड़ा अच्छा होशियार युवक लग रहा था। सन्यासी ने देखा तो सन्यासी के मन में आया कि अगर ये चेला बन जाए तो बहुत अच्छा है। अब धर्म का प्रमाण पत्र कैसे होता है देखिए, तो सन्यासी बोला कि तुम मेरे चेले बन जाओ। बोला क्यों, कि मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दूंगा, बस ये प्रमाण पत्र हो गया, स्वर्ग का राज्य देना हाथ में आ गया, तुम मेरे चेले बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दूंगा। अब युवक बड़ा प्रबुद्ध था, इन बातों में आने वाला नहीं था, झांसे में आने वाला नहीं था, तो वह बोल पड़ा कि तुम मेरे चेले बन जाओ। सन्यासी देखता रहा क्या मिलेगा, कि मैं तुम्हें दिल्ली का राज्य दूंगा। अब प्रमाण पत्र की बातें आज धर्म के क्षेत्र में चलती है, तो वह सन्यासी बोला कि क्या दिल्ली का राज्य तेरे बाप का है, तो वह युवक बोला स्वर्ग का राज्य तेरे बाप का है। बात सरीखी है, यह जो एक ऐसा धर्म का रूप, छिछला रूप चल रहा है कि जहाँ प्रमाण पत्रों की बात चलती है इसमें नहीं, हम तो यथार्थ की भूमिका पर जाएं,
मैं मानता हूँ धर्म गुरु का भी कर्तव्य है और श्रोता का भी और उपासक का भी कर्तव्य है कि वह सच्चाई को समझने का प्रयत्न करे और कर्मवाद और आत्मवाद इससे बढ़कर और सच्चाई क्या। धर्म के क्षेत्र में दो ही बड़ी सच्चाइयाँ हैं, या तो आत्मवाद या कर्मवाद। इन दोनों सच्चाइयों को समझे तो उसकी आत्मा भी पवित्र होती है और धर्म के द्वारा जो मिलना चाहिए उसे प्राप्त होता है। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।